हाय व्यूअर्स, तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप होता क्या है, उसमें कितने मेंबर होने चाहिए और फॉर्म में उसका क्या रोल होता है। तो पार्टनरशिप इज़ ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। पार्टनरशिप कम से कम दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में पार्टनरशिप होती है। इसके लिए दो पर्सन एग्री हो सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा। इनका मेन पर्पस क्या होता है फॉर्म में पार्टनरशिप का? टू मेक अ प्रॉफिट। प्रॉफिट बनाने का सबसे बड़ा पर्पस होता है एक बिजनेस में, इसलिए बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, वे सभी इसीलिए फॉर्म में एक्ट होते हैं, एक्टिविटी करते हैं सिर्फ पर्पस ऑफ प्रॉफिट। ये पार्टनरशिप रिलेशन की जो डेफिनेशन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आती है। मैंने नीचे आपको एग्जांपल में बता रखा है कि पार्टनरशिप या तो दो लोग के बीच में होनी चाहिए या दो से ज़्यादा लोग के बीच में, लेकिन मैक्सिमम 50 मेंबर होने चाहिए। उससे ज़्यादा मेंबर पार्टनरशिप में अगर होंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद हम देखेंगे पार्टनरशिप डेट। पार्टनरशिप डेट क्या होती है? इसमें आपका एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें ये ओरल या रिटन एग्रीमेंट होता है। ओके, जो नॉन एज पार्टनरशिप डीड डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें साइन होते हैं पार्टनर्स के, साइन बाय पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स जितने भी हैं उस पार्टनरशिप डीड में साइन करेंगे। एंड थर्ड इज इट इज हेल्प टू अवे डिस्प्यूट्स इन बिजनेस। ओके, बिजनेस में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनसे उन डिस्प्यूट से एक तरीके से सॉल्यूशन में ये पार्टनरशिप डीड बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होता है। ये एक तरीके का पत्र है, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए। सबसे पहले इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, फर्म के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि पार्टनर कौन है, क्या नाम है, क्या एज है, ये सब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। फर्म के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, वैल्यूशन ऑफ एसेट्स होना चाहिए, वैल्यूशन ऑफ एसेट्स, ये फॉर एग्जांपल फर्नीचर कितने का है, कहाँ से लिया गया है, डेप्रिसिएशन क्या है उसके ऊपर, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर होनी चाहिए, पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ मेंशन होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड में, बैंक अकाउंट ऑपरेशन होना चाहिए, जो भी बैंक से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इंफॉर्मेशन इस पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए, वैल्यूशन ऑफ गुडविल होनी चाहिए, फर्म की गुडविल क्या है, उस गुडविल की वैल्यू क्या है, ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, डेट ऑफ पार्टनरशिप किस डेट से स्टार्ट किया गया है ये मेंशन होना चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस, किस प्लेस पर बिजनेस स्टार्ट किया गया, फॉर एग्जांपल इट इज़ प्लेस रूरल और अर्बन, ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद आपका नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का नेचर है बिजनेस का, फूड रिलेटेड है, प्लास्टिक रिलेटेड है,
या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी मेंशन होना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है। डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर की अगर डेथ होती है तो उसके क्या रूल हैं, वो भी इस पार्टनरशिप में होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है बीच पार्टनर्स के बीच में, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी लोन है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड, आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पीरियड से यहाँ पर ये है, बाहर कंट्रीज़ में अकाउंटिंग पीरियड जनवरी टू दिसंबर होता है, बट इन इंडिया कल्चर इट इज़ मार्च एंडिंग एंड अप्रैल स्टार्टिंग, अप्रैल टू मार्च अकाउंटिंग पीरियड होता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम की पार्टनरशिप है, ये भी पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन होना चाहिए। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट इसमें होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये भी मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो पहले मैंने आपको पार्टनरशिप डीड एक्ट बताया कि पार्टनरशिप डीड एक्ट में क्या क्या गिवन है। साइन होने चाहिए पार्टनर्स के, हेल्प टू अवे डिस्प्यूट्स इन बिजनेस, ये पार्टनरशिप डीड हेल्प करता है बिजनेस में जितने भी डिस्प्यूट होते हैं। उसके बाद ये पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, ये भी मैंने आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट बता दिए हैं। और ये पार्टनरशिप डीड एब्सेंस में क्या होना चाहिए, वो मैं अब आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी के लिए इतना था, थैंक यू।